हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टाइम एंड टेस्ट। आज हम बनाएंगे प्याज के पकौड़े। तो बेसन लिया है करीब 5 बड़े चम्मच, प्याज हैं इनको लॉन्ग स्लाइसेस में काट लें, हरी मिर्च लॉन्ग स्लाइसेस में कटी हुई, नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, धनिया चाहिए होगा दरदरा पिसा हुआ करीब 1 बड़ा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, मेथी दाने आधा चम्मच, कसूरी मेथी 1 चम्मच और हल्दी आधा चम्मच। तो आइए पकौड़े बनाना स्टार्ट करें। सबसे पहले एक बाउल में बेसन डालें और बेसन के साथ इसमें प्याज डालें और सभी जो सूखे मसाले थे एक एक करके इसमें ऐड कर दें। मसाले डालें और इसमें एक चुटकी हींग, और फ्रेंड में दही बताना भूल गया था, तो दही आप इसमें 2 बड़े चम्मच दही डालें, इससे जो पकौड़े हैं वो सॉफ्ट बनते हैं। तो 2 चम्मच दही मैंने इसमें डाला है और साथ में इसमें पानी डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि बेसन के लम्ब ना बने और एक गाढ़ा सा बैटर रेडी हो जाए। तो ये देखिए, हमें कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो अब इसके बाद एक कढ़ाई में तेल गरम करें हाई फ्लेम पर, और जैसे ही तेल अच्छे से गर्म हो जाए गैस की फ्लेम मीडियम कर दें और चम्मच से इसमें जो हमने बैटर बना के रखा है पकौड़ों का वो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं। तो करीब 1 से 2 मिनट तक इसे एक साइड से और बीच में साइड आप चेंज करते रहें, जैसे ही लाइट ब्राउन से गोल्डन ब्राउन जैसा हो जाए तो पकौड़े आपके रेडी हैं। प्लीज़ ट्राई करें और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।